नॉर्मली हम जो हमको सर्व करते हैं उस पर टिप देते हैं, और टिप को कोई टिप देता नहीं। मंदिर इतना खूबसूरत है ना। गूगल बाबा देखिए हमें कहाँ लेके आए हैं। ये जो छोटा वाला ये फिर बड़ी काकड़ी खाइए क्या। गुड मॉर्निंग, और एक नए सुबह की शुरुआत। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी चाय पी रहे हैं, फ्रेश व्रेश होके नहा होके यहाँ पास में मंदिर है, जाएंगे दर्शन करेंगे। और यहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थान भी है, वहाँ भी जाएंगे। तो फ्रेश होते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। सुबह सुबह उठ के अभी हम देखे कहाँ है लेने। एक्चुअली क्या प्लानिंग नहीं था कुछ रुकने का, और सडनली अभी रुकना पड़ा। तो कपड़े तो मैंने कैरी किए थे, बट अंडर गारमेंट नहीं कैरी किए थे, कि कपड़े तो ले लेते हैं एक्स्ट्रा हमेशा। शॉपिंग करके नाश्ता फिर पूजा, फिर भी यहाँ से जाके फ्रेश होकर निकलना है, फिर टाइम नहीं लगेगा। तो हमने कहा पहले नाश्ता कर लेते हैं, और अभी और भी ऑर्डर आया है ये। हाँ जी मिसल, आप महाराष्ट्र में आओ और मिसल बना खाओ तो मतलब नहीं। आप लोग कोई भी हो जो महाराष्ट्र में कहीं भी घूम रहे हो, दो चीज़ें याद रखना, एक महाराष्ट्र का मिसल पाओ और दूसरा वड़ा पाओ ज़रूर चखना, क्योंकि ये यहाँ का फेमस फूड है। चलिए खाते थे। एक्चुअली अभी कुक को भी मैं नॉर्मली हम जो हमको सर्व करते हैं उसको टिप देते हैं, और कुक को कोई टिप देता नहीं। मैं कल से ये दूसरी बार आया हूँ खाने, और एक्चुअली में सच में बोला तो खाना बहुत अच्छा था, सर टेस्टी था, उसका हाथ अच्छा है, तो भाई उसका हाथ तो बनता है। तो सामने था कुक, क्योंकि नॉर्मली होटल में अंदर होते कुक तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, सामने था और देखते देखते अच्छा लगा मुझे कि बना रहा है और एकदम साफ सुथरे थे। उसमें तो एक छोटा सा टिप, देख सकते हैं सामने मंदिर अजय त्रिशूल, इतना मस्त लग रहा है, व्यू भी इतना बढ़िया है। सो गाइस अभी फाइनली हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और निकल रहे, अभी जा रहे हैं मंदिर घूमने, करेंगे बाय बाय भगवान, बाय बाय रूम, एंड बाय बाय एवरीवन। सो गाइस अभी फाइनली निकल रहे हैं, और अभी आपको जा रहे हैं यहाँ पे मस्त शंकर भगवान का स्टैचू है, देख रहे हो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारा होटल का ये रिसेप्शन एरिया है, और अभी निकल चढ़े हैं। और ये देखिए बाहर का इधर से एरिया भी बहुत अच्छा है, शाम को बैठ के आराम से यहाँ पे आके अभी बैठने के लिए बनाया तो मज़े कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। एरिया अच्छा है नो डाउट, होटल भी अच्छा था, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर अभी निकल रहे, अब चल रहे ज़रा हनुमान जी के दर्शन करने। अभी होटल से निकल के आए, और ये सामने ऊपर मंदिर आपको दिख रहा होगा, पता नहीं इसमें दिखता है कि नहीं। ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, और अभी चल रहे ज़रा माँ अन्नपूर्णा के भी दर्शन कर लें। गाइस अभी हम अन्नपूर्णा माँ के मंदिर आए हैं, और यहाँ से ये व्यू देखिए क्या मस्त लगता है, देख रहे हो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। मंदिर बहुत खूबसूरत है, चलता हूँ मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने पूछा यहाँ पे तो उन्होंने कहा हाँ आप वीडियो बना सकते हो, तो अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मैं मंदिर जाके अंदर आ चुका हूँ, तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उन्होंने परमिशन दी तो हम दिखा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो गाइस ये मंदिर है, और यहाँ से अभी हम एंटर कर रहे हैं, इसलिए आपको दिखाता हूँ अंदर से।
मस्त हला करते है। दरवाजा और ये सामने माँ अन्नपूर्णा का मूर्ति है। माँ अन्नपूर्णा ना देखिए, जय माता दी। यहाँ बजरंगबली है, ये गणपति बप्पा। जय माता। चलते अभी बाहर, यहाँ पे तीन तरफ डोर देखिए, एक दो तीन, तीनों तरफ डोर है। जय माता दी। ये मंदिर का परिसर है, जरा उधर घूमते हैं। इतना मस्त, इतना खूबसूरत मंदिर है ना, क्या बताऊँ आपको, जाने का मन ही नहीं कर रहा यहाँ से। क्या बनाया यार, जो भी देखिए दिख रहा है, हाँ मस्त मंदिर है। अब क्या करें, निकलना भी है क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाना है अभी, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर मुंबई भी पहुँचना है। चलिए थोड़ा 5-10 मिनट इधर बैठेंगे वहाँ के इधर, और फिर निकलेंगे। गाइस अभी हम लोग रास्ता भटक गए, गूगल बाबा देखिए हमें कहाँ लेके आए हैं, खेती उती में, और अभी देखते शायद गूगल बाबा जरा आज रॉन्ग हो गए, कहीं और ही पहुँचा दिया। वाह गूगल बाबा, ये देख रहे हो आप कहाँ गूगल बाबा ने हमें पहुँचा दिया है, चारों तरफ खेती ही खेती है। क्लाइमेट मस्त है, और अभी मस्त बोलते ही धूप आ गई। गाइस ये देख रहे हो ये पहाड़, हम ऑलमोस्ट मंदिर के पास पहुंच गए, और ये यहाँ से अराउंड 500 मीटर है। ये पहाड़ देखिए क्या कुछ, गाइस ये हम लोग पहुंच गए माँ अंजनी माता हनुमान मंदिर। ऐसा कह रहा है, मैंने जब मुझे बताया कि जब होटल में रुका था ना, तो वहाँ पता चला कि यहाँ पे माँ अंजनी का मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी का बर्थ प्लेस है। तो चलते हैं अभी जरा दर्शन करते हैं अंदर। इधर आने से एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें बजरंगबली के भी दर्शन हो गए। खैर पता नहीं था, अपने नसीब में यह है, बात नसीब नसीब की है, दर्शन हो गए और मन प्रसन्न हो गया। हमने अभी अंदर दर्शन कर लिया है, और चलते आपको भी दर्शन कराते हैं। एक्चुअली ये हनुमान जी की माँ अंजनी माँ का मंदिर है, और कहते हैं कि उनका बर्थ प्लेस है, हनुमान जी यहीं पैदा हुए थे। चलिए आपको भी अंदर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पूछा तो फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको भी दर्शन करा दें। सो लेट्स गो। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और मुंबई पहुँचना है। बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि अभी अराउंड 1:30-2 बज गए, और पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगेगा। सो लेट्स गो। ठंडा डिब्बा गए, हाँ एक घी में चालू है, एक तेल में चालू है। अच्छा, और पहले सिंगल मंदिर था इधर जी, छोटा प्रतिमा है अंजनी माता का जी, वो देख लो आप। बताइए अपने दर्शक को भी मालूम पड़ेगा ना कुछ इसके बारे में। अभी ये अंजनी माता का गांव है जी, अंजनेरी, ये पहले प्रतिमा था, वो छोटा मूर्ति है ना, वो ओरिजिनल है, लोग आते हैं। ये जो छोटा वाला, ये पहले का प्रतिमा है, एकदम पुराना। हाँ, ये अभी 17 वर्ष हो गया बनवाया, ये वाला नया है। और ये जो दीपक है, ये अखंड दीपक है। अच्छा ये हाँ।
अच्छा ये वाला तेल में। अब ये मंदिर ट्रस्ट नहीं हुआ है आने अच्छा। जाने वाले मतलब अच्छा, ट्रस्ट नहीं हुआ अभी ये नहीं हुआ है अभी। ओके और गाइस यहाँ से व्यू देखिए, ये व्यू देखिए, देख रहे हो आप, हम लोग एकदम टॉप पे हैं। और ये नीचे क्या व्यू है। गाइस अभी रिटर्न जर्नी चालू है और थोड़ा यहाँ रुके थे पूरा भाजी लेने के लिए। आपको ककड़ी आपने खाया हो ना, आपको काकड़ी दिखाता हूँ कैसी है। अभी देखिए काकड़ी है, देख रहे हो क्या बड़ी छोटी, इतनी बड़ी काकड़ी। ये क्या पका हुआ मीठा रहता है क्या? मीठा मीठा होता है। अच्छा 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 अच्छा, बोले काकड़ी मीठा होता है, पता नहीं मैंने तो नहीं खाया कभी मीठा काकड़ी। थोड़ी सी सब्जियाँ ले लिए घर के लिए। तो वैसे एक छोटा सा ब्रेक हो, एक्चुअली ज़रा बिस्किट ले रहे थे, अब जो बिस्किट तो कल ही ख़त्म हो गए थे और ज़रा इनके लिए डॉग्स के लिए देख रहा हूँ इनके लिए बिस्किट ले रहा था। तो चलिए अब निकलते हैं फिटिंग करते करते।